तावली तावली चला ले आते हैं ना थे मुझे माय सत कोनी कि मुखांदी पिंदी कोनी के माकरन तो लाग रही काम ये मशीन तो सू कोनी जो सेकंडा मकाम हो जाएगा। एक मिनट रुक आ ई बोल के कहो थी घनी जबान चलन लगी तेरी नंगे बुचे घर की किसे ना सही कही है और किसे का पीर में कि मैं ना देखा ना वह सासरा मागे घने नखरे कर करे या के बात हुई किसे का ब्योत घना हो जाया करे और किसे का कम सब एक जिसे ना होंदे और इसमें मेरी के गलती है जब मेरे भाई भाभी गरीब है तो तेरी गलती तन्ने मेरा पर आड़ा तेरा फालतू बोलने का कोई मतलब को नहीं तन्ने सब कुछ मिले से बढ़िया खाना बढ़िया पीना बढ़िया उड़न पहनने और फिर भी तुम ना आंख दिखावे है। माँ मैं तो कितने आंख दिखांदी पर थमे का दी बड़ी सी बात बोल जाओ मैंने जवाब देना जरूरी हो जाए। हाँ तू तो प्रधानमंत्री से जो तेरा जवाब देना जरूरी हो जाए न्यू क्यों ना कहती अक मेरे पीर आया ना मेरे ते किमे को सिखाया ना का तना बोलने का बेरा ना चलन का बेरा ना तना न्यू बेरा अक सासू तक कुकर बोल चल रहा क्या करे मानू क्या तो कहन लाग रही है मैं तो सारी बार चुपे रहूं पर एक आधी बता देता ने सहन ना होते इसी टाटा बिड़ला अडानी अंबानी की छोरी को नी जो तेरा कोई कुछ भी ना कहोगा सब अडानी अंबानी को करो उसका है माँ इसका मस है कोई बू जोड़ानी अंबानी का खानदान तो जयड़ानी अंबानी का खानदान तो कोने ना तो सारी तेरे जिसे नंगड़ गए हैं कि भी कोनी और फालतू माथा मारने की जरूरत कोनी मेरे गल्ले मैं बाहर जाके आऊं सो आऊं ना इतना सारा काम करे पाइए ना तो जाने है ना मने मुंह तो बार बार बोल रहे हे भगवान के तो मेरी सासू ने इसी बना दे जो मैं ते रोज रोज यताने ना देवे और के मन ने इसी बना दे जो मैं इसके ताने न सहन कर सकूं नहीं तो मैं किसी दिन कि मैं और सोच जाएंगी जितनी तावड़ी हो सके ना ऑपरेशन करवा लो ना तो पथरी और बढ़ जाएगी लाग तो रहा हूँ पैसा जुगाड़ में पैसा जुगाड़ होते इलाज करवा लूंगा जुगाड़ तो जब होगा ना जो कोई पीछे खतरा आ रहे जाओ ही जड़ मना करते हैं। अरे फिर भी यार कोई ना कोई तो मदद करेगा तो इमने कर चा बना लिया जा पथरे का दर्द ये भाई बहुत बुंदा हो है मेरा ना था इतना दर्द हो है बस रोटी सब्जी बना कटी हूं। अच्छा माँ कड़े है माँ बाहर नन गई है किते बाकी नोना बेरा कित गई है सब छोड़ कोई ना क्या हुआ कि मैं काम था के माते हाँ के काम था वो बेबे की कोथले भी देख आनी थी कर लियो माँ के लिए बात हाँ सुदेश का है दफोने नले भाई जब मर्जी हो देजी हो हाँ या तो देनी है और दे दे एक पास हो हाँ है फिर खेत कार के काम में लग जाऊंगा फिर टेम ना मिलेगा जान का ठीक से फिर माँ कर का बात अरे एक दो दिन में टेम काट कर दिया हो ठीक से मैं ही करूंगा ठीक से रोटी गाल दूं अलग अलग मुंह दो मुंह लो ले लो चा कि मैं खान का लाऊं के कैसे खान का वो मंदिर की बहू की कोथड़ी आई थी मक्की देख ले से अच्छा सामने लग गया कि दो रोटी कमाने का चक्कर में और सब भूल गया कोई ना घर खा लियो ले दूं कई एक दिन हो गए सामान लग गया ना सात आठ दिन हो गए अच्छा मधु की कोथड़े भी देखा है नहीं कोई ना फिर दिया होंगे इबे तो कई दिन पड़े हैं सामान की खर्चा भी तो होगा पैसे तो कोई नहीं अपना दो रहे शाना यू खर्चा तो करना ही पड़ेगा
इसकी टाल थोड़ी हो सके से। बात तो तेरी भी सही है, पर कोई ना जिस हमारा भी हो तो होगा उस हिसाब से यो फर्ज तो निभावाएंगे। हाँ एक के तो ननद है मेरा, जब उसका बिलिया दिया ना गया तो क्या फायदा, सब हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, सब ऊपर वाले भरोसे छोड़ दो। तेरा भाई का दावा कोथड़े लेकर बेरा ना, मेरे तो बात हो कई दिन होगी। बात कर लिए ये तो शाम नहीं करूंगी बात, तुम फोन मिला के दे दियो। ठीक सर। मारी कटे जा रही थी हरा कीते ना आड़े गई थी, तन्ने भी मेरी एक एक पल की खबर चाहिए। माँ मैं तो वही पूछू था वैसे। बोल फिर क्या था माँ माला कर रहा है। नो बता बेबे की कोथले कद देखा हूँ। कदे दिया तेरी मर्जी। माँ आजकल कोथले तो आने लग रही है काम में। हाँ कोथली तो बतेरी आवा है, फिर दे तू भी। ठीक से तो माँ कल मैं खेत में तो बरोटे काट लिया हूँ दो तीन दिन के, आज परसों दे आऊंगा। हाँ कोई और काम रह जाओ वो भी निपटा ले, आ फिर लेके राम का नाम हर दिया बेबे की कोथली। ठीक से मानू ही करूंगा। परिवार में पड़े से बबलू ने दिवाए से सह तो वो इससे काम का पर रहो है शहर में से। चलो जो भी सह तो भला मानस। अरे इतना भी भला ना से जितना तू समझ रही है, 3 रुपया सैकड़ा ब्याज पे दिए हैं। मतलब और तो ज्यादा ब्याज ले होगा। हाँ कोई ना, ब्याज तो ज्यादा थर ऑपरेशन जरूरी है, मैं ना चाहती पैसा की कमा बीसी में तुम दर्द में परेशान रहो, तुम ठीक हो जाओगे ब्याज तुम भी पट जाएगा। कोई ना ये पैसे ले आया ऑपरेशन हो जाएगा, कम तक कम दर्द तो पंडा छुट्टेगा। हाँ यह तो सही, कितने लाए हो? 25,000 ईम ले आए हूँ, 25,000 शाम ने देगा। ठीक सर, रोटी गाल दो। हाँ ले गाल दे, साग बनाया है चटनी है। चटनी बनाई है। कोई ना चटनी गाल दे, लस्सी दे दे। सुनो सारा सामान गाल लिया के बैग में? मेरी जान में सारा गाल लिया मैंने, और कि मेरे क्या वो सामान है तो तू ही याद दवा दे। एक मिनट रुको। कित गई पे लो लो सूट और गाल लो मेरी तरफ तरह से देश खातर। यो तो बहुत महंगा लग गया है, नया लेकर आई है कि? हाँ 1,000 रुपया का लेकर आई। इतना महंगा सूट तू भी जमा बाहुली हो रही है। एक तो आनंद है मेरा और उस खातर एक सूट तो बने ही है। तो खुद तो ना पैर दी, इतने महंगे सूट है तो क्या होगा ना पैर दी, तुम भी ना उसने जाओ दूर का जाना है, टेम तो जाइयो। ठीक सर जाऊं। ध्यान तो लेकर जाइयो सारा सामान ने। सारा ले लिया, ये बात का जाकर गेवर गाउन लेने हैं वे ले लूंगा, और के में ले जाना वो बता दे। और तो पूछ लियो उससे फोन करके। ठीक सर जाऊं मैं। ठीक चल पड़े वे बेको थोड़ी देर। हाँ माँ जाऊँ बस। सारा सामान गाल दिया होगा जो मैंने ले आके दिया था? हाँ माँ सारा गाल लिया। अच्छा तो बेटा नो करिए, जो सामान ले जाना सारा 2-2 किलो ले जाइए, कदे कम ना रह जा। माँ तू चिंता ना करे, बढ़िया कोथड़ी लेकर जाऊँगा बेबे की। ठीक से तो बस मैं जा है मोटरसाइकिल पर। माँ मोटरसाइकिल पर ना जाऊँ, घना लंबा सफर है, बस मैं ठीक रहूँगा। हाँ सही है भाई, बस मैं चला जा, मोटरसाइकिल का कह देना कितने बारिश बुरिश आ जा तो मुश्किल हो जाएगी। और के माँ जा बेटा राम का नाम लेके। ठीक से तो मैं जाऊँ हूँ।
ताई। हाँ भाई। ले, मेरी माँ की कोथली आई है। अच्छा रे, तेरे मामा भी घना ही सामान ले आवे। हाँ, मेरे लो मामा तो आई साल नहीं ले आवे ताई, 15 किलो सामान ले आवे है, 5 किलो घेवर, 5 किलो पतासे और 5 किलो फल फ्रूट। एक बात से भाई, तेरी माँ मारी उम्र की से, फिर भी तेरा मामा बहु की डाल कोथली दे के जा से। एक मारे बहु का भाई से बेरानी टेम पर आओ भी का अखना। अच्छा रिताई, मेरे लिए भाभी के भाई से ही सब कर सके। अरे जमाए गए गुजरे गया की सया तो बेराना किसी मारे टेम में इसका रिश्ता यहाँ होगी। न्यू है अगर ताई, जब तो तेरे बहु की लाग रही होगी, तू भी नहीं सोची होगी रिश्ता है ले लियो, कदे फिर मेरा जनक ब्याह ना जावे। बस रे, टेम में मारा था वो तो। ये बताओ, इस बहु की कोथली आओ ना तो सामान भीतर लगोगे धरना पड़ा है, कदे कोई देख ले और मेरी बेइज्जती हो जा। मैं तो मेरी और इस बहु की कोथली एक का दिन कट्ठी मंगाया करूँ, फिर न्यू बेरा ना लागे कि कौन सी का सामान कितना आया से, न्यू करके इज्जत बचाया करूँ मेरी। बहुत दिमाग है ताई तेरे में तो। अरे दिमाग सजी बता चल रही हूँ, नहीं तो यह दुनियादारी का देगी बेच के खा जाए मन। मान गए ताई तन्ने तो। सुन, यह बात की थे बार ना बताइए, कदे मारे डकेड़ और सारे उगाड़ दे। ना ताई, मैं किसे तो कुछ ना कहूँ, तू चिंता ना करे। जनक ना दिखता कित गया? वो भी कोथली देने जा रहा से बेबे की। शांत तक आ लेगा के? ना रे, शांत तक आ जा से, तड़का नहीं आओगा। ठीक से ताई। तो रुक, यो सामान भीतर दे रहा हूँ सो, और यो तेरा कटोरा खाली करके ले आ दियो। ले लिया ताई। कोथली योगी की माँ की कोथली आई से, हर जितना तेरा भाई सामान ले आऊं ना उतना सामान तो योगी की माँ बंटवा दे से। कोथली का तो बेरा को नहीं आओगी कनी मेरी, पर मनीषा जरूर लग गए, तू ताने दे देगा जरूर मार देगी मने। फिर मैं क्या गलत कहूँ सू, सही है तो कहूँ सू, नंगड़ गया की आगी मारे, थारी तो समाज में कोई इज्जत को नहीं, मारी और खराब करवाओगी के। माँ बस गरीब के लेना देना है सारी चीज होया करे, रिश्तेदारी भी कोई चीज होंगी होगी। थारे जी से नंगल रिश्तेदारा तो रामे बचावे। माँ मैं आपका क्या ना करती हूँ, आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ती हूँ, घर का काम ना करती हूँ, जब तो तुम मेरे मर मेरे परिवार में 100 बार कमी काट, ये जितना हमारा प्योत्स है उतना ही तो ले दिए करांगे हम। तो बोलना ही घनी लग गई, घनी जबान चलस तेरी, किसी दिन छो उठ गया ना मेरे तो बना दे तेरा मारा नहीं, तेरा चक्कर में योगी का कटोरा देना और भूलेगी। हटे गुड़ने ले रहे होगी थर कटोरा ले आ ताई, मेरी माँ बाट देखती होगी, नू कहीं चढ़ जा उड़े रह ले। अरे कि मैं ना कहा तेरी माँ मेरा नाम ले दिए, नू कह दिए मेरे ताई ने बिठा दिया था। ठीक है, जब छो माँ होगी तेरा ही नाम लूंगा। अच्छी बात, दिन माँ आऊंगी तेरी माँ के सूट साट देखने। ठीक है। मेरी तो यार जिंदगी नरक होगी, ना तो यार मैं खुश और ना मेरे ताई खुश, हमारा बहुत कमजोर से तो इसमें मेरी के गलती से, और मेरे तो एक बात समझ में ना आती, लोग गाती दिखाने खातर लेन देन तगड़ा होना चाहिए और रिश्ते तगड़े होने चाहिए। आपस छाना बाड़ी बहुत बढ़िया। हाँ, राम जी की मेहरबानी है, ये मुझे बिना टाइम बारिश करके नुकसान ना करे राम जी ने। आराम कर ले थोड़ी बहुत देर। अरे उठा ना जा रहा, गोली ले आऊं के कोठड़े में धरी है। अरे गोली तो ना हो, आराम है, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। फिर क्यों देर करने लग रहे हो, ऑपरेशन करवा क्यों ना लियो, अब तो तुम पीछे भी ले आए। अरे मैंने सोची 2 दिन का काम बच रहा है, पाछे करवा लूंगा, मैंने की बेरा था यो दर बीच में उठ सी आगा। थारे तो काम की लाग रही है, यो काम भी थारी कह लिया है, तुम ठीक तो हो जाओ तावड़ी। हाँ, एक तो करवाना है पड़ेगा ऑपरेशन, मैं बना है काम लापरवाही बरत गया। ठीक से इब लापरवाही ना बरती है, इब अपना ऑपरेशन तावड़ी करवा लिए और चालीब घर चाल का आराम कर लियो, काम तो होता रहेगा।
खड़ा हो। राम जी पूछ तो गया भाई का है, बहुत तबारी घर में। आगे क्या आप? अबे तेरे बाल टूटे भी कोई शख्स है तेरे सामने खड़ा। अच्छा नो ग्रो, एक बार मेरा घर फोन मिला उन्हें। की बात होगी, सब ठीक ठाक तो सन है ना? ठीक से सब। एक मिनट रुक तो ले मिलाऊं। ले पित्तल ने गिज्जा है दे जना रहा साथ पड़े जा मुत कर ले बात। ठीक से हेलो। हेलो भाभी, मैं मधु बोलू। हाँ मधु, ठीक से गे? हाँ मैं तो ठीक सू, तुम बताओ भाभी, तुम दोनों ठीक सो ना? हाँ हम तो ठीक सा। मेरा भाई कड़ा है नाल लग रहा है मधु, बात करनी थी के? बात तो भाभी तने बता दी मैं। के बात से बता, कुछ खास है गे? भाभी मैं तो मेरी सासू के तान्या तो दुखी सू, या मन ना जीने देती। ऐसा क्यों हो गया मधु? भाभी सारा दिन बस एक के ताना दिए जा, तू नंगड़ घर आकी है, थारा लेन देन ने की मैं कोनी। अच्छा हाँ भाभी, इब कोथली न लेकर भी रोज की मैंने की मैं कही जा है। कोथली न लेकर क्या कहो वैसा है? भाभी मुँह करी जा है, मेरा नतरी कोथली आवगी कना और आ भी गई तो वो ही मुट्ठी भर सामान आओगा, उसने बांडा के करा और मेरी गल गल भाभी थम न भी सुनाई जा है। बहुत चंडाल लुगाई तेरी सासू तो, बता कोथली के भी कोई ताने दिया करेगी? इसी तो वह खुद भी टाटा बिड़ लग गरता कोनी, जिसा अगले का बोत होगा उसे हिसाब तो दे होगा। यह बात तू समझे है और मैं समझू, पर उसने तो सबकी में अपने हिसाब का चाहिए है। इसी लालचन तक कितना ही कुछ दे लो, उसका पेटा नावर है। हाँ यह बात भी साची है भाभी। कोई ना, नो करूंगी, एक दिन तेरा भाई ना गाल दूंगी, वो आकर आप पे बात कर लेगा। ना भाभी बात ना करनी, मेरी सासू की बोलती बंद करनी है। फिर तो मधु उसका खातर तो खर्चा लगेगा। भाभी वो तो तुम देखो खर्चा लगा का करना है किस तरह करना है, बाकी मैं बस नो चाहूँ एक की बार जब मेरी कोथड़ी आओ ना, उसका बाद मैंने कोई भी ताना सुनना ना मिले। कोई ना मधु, मैं तेरी भाई गल बात करूंगी, तनु दुखी ना रहन दे, कोई ना कोई तो हल जरूर कर डांग। ठीक है भाभी, मेरे भाई ना जरूर बता दिए। ठीक से का मतलब मधु पहले थे बहुत दुखी है, या अभी पहले तो ना बोली, कम तो कम मुंह माता तो फूक दे। इसी सासू का कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा। ले फोन। माना दिख रही कड़े थी फिर आना, दो घंटे हो गए बाहर जा रही है और बताकर भी ना गई मेरे तक। अच्छा चाह पानी बना दूंगे कि मैं ना? बस ठंडा पानी ला दे, आराम करूंगा, आ जाऊं मैं तो सफर में। कपड़े बाद में ला के दूंगी, पहले मेरी बात सुनो। बता क्या बात करनी है? मधु का फोन आया था। अच्छा ठीक तो से ना? वह ठीक से और ना भी। क्यों, इसी के बात होगी? उसकी सास सुना टिकन देती, रोज का कलेश करी रखा है, अपनी गरीबी का मजाक उड़ावे, नंगड़ा की नंगड़ा कहती रहे उसने सारी आना। ये अब्बू नहीं है अभी ना, बुढ़ापे में टिकती को ना, पता के छत्ती उतर के ले जाएगी। रोज की कलेश रखे छोरी के, मधु मेरे तो बताती बताती रो भी पड़ी, वह सच में दुखी है, कुछ तो करो। इबू को थोड़ी देर जाऊंगा ना, जब उसकी सासू तो बात करके आऊंगा, अब क्या था मधु ने इतनी दुखी रखा है ना। मधु ने बोली कोई बात ना करनी, डायरेक्ट कुछ ऐसा करना है जो उसकी सासू ने देना बंद कर दे। अच्छा और के मधु की सासू तो उसने कोथली खतर भी सुनाई जा रहा है कि मैं कौन दिन दे तेरे भाई बाबूज की मैं ना लगते। कोई ना तू चिंता ना कर, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, ईसा करूँगा कुछ है। उसकी सासू आगे तो कुछ ना बोल रही। क्या आइडिया आया है, क्या करोगे? बस तू देखती जा। खाली ये सीसी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है।
राम राम जी। कड़े जाए आज? अरे बेटा कड़ा जाऊं थी, सुनार की दुकान तो ही गई थी, थोड़े पीछे रह रहे थे, वह देख आई। अच्छा, अरे थारी कोथड़ी का सामान सापड़े ना के कई दिन नहीं हो लिए कोथड़ी आई ने तो तेरी मांगी ना ताई, मारा सामान ना सापड़े करता असापड़न ना हो इतने किसे और का ते आ जा है, मारे आड़े मरल तो फिर उतना ही हो जा है। तेरा मामा सही भाई, पूरे महीने की मौज कर दी थार तो। और ताई दगड़ा भी उसे मेरे मामा हर का, पर ताई तेरी कोथड़ी ना आई है अब तक? ना भाई इब ना आई से। क्यों ताई? अरे मेरा भाई बीमार सा थोड़ा सा, तीजे दो रखो आओगा। अरे मेरी भाभी की? अरे उसका भरोसा तो क्या ना और नसीब हो जाएगा तने, वह तो मेरी खान खान की से खुआन की ना है। अच्छा रे ताई, मैं तो नू बाट में था मेरी भाभी कोथड़ी आओगी, मैं तो छिक्का मार खाऊंगा उस दिन। अरे उसकी तो जब मानी है ना जब शामी आले ना, मैं ना करा कर दी उन नगड़ा का भरोसा। अच्छा ताई, हम तो किलो गए और मोल ले खा लेंगे, नू सोच लिया भाभी ने खुआ दिया था। ठीक से भाई, सालों सो घर तो लिगड़े कई बार होगी, बेरा ना मारा नहीं की मैं करे पाओगी कि ना। ठीक से ताई। के बाद डॉक्टर तय कद करवाओगे ऑपरेशन? डॉक्टर तो बात कर ली और डॉक्टर ने आ भी कर दी, पर मैं टाल कर गया इब ना करो। क्यों, तुम क्यों टाल कर रहे हो? अरे पहले मधु वाला मसला हल करना है। वो भी हल हो जाओगा, ऑपरेशन भी जरूरी है। वो न्यू हल ना हुआ है, पैसे तो होगा। हाँ यह बात तो सही है आपकी, पैसे तो लगेंगे। इब का मधु के वह कोथड़े जाओगे जो आज तक किस्से की ना गई से। अच्छा? हाँ, जो करनर से ये बात के जिक्र चल रहे थे ना, न्यू मधु की कोथड़े के जिक्र चल लेंगे दूर दूर तक, कई साल तक लोग इस कोथड़े ने याद रखेंगे। अच्छा तो तुम कोथड़ी पीछे ऑपरेशन करवाओगा? अरे तू ऑपरेशन की भी छोड़, तू पहले कोथड़ी के जिक्र सुन। मेरे तो क्यों समझ भी नहीं आ रहा, तुम करोगे की? तू बस देखती जा, सबके में तेरी आँखें शैम ही होगा। कृष्ण का दर्शन देवेगा? आ जाएगा, इबे तो रह रहा टाइम। अच्छा, और उसका पथरी वाला दर्द हो गया क्या? ठीक है कि ठीक हो था, कदे तो आराम हो जाए है और कदे फिर वो घना दर्द उठ जाए, बर्दाश्त भी ना होए। फिर ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेता वो? हाँ ऑपरेशन नहीं हो जाएगा, एक कठड़ी रुपये लागे, आए गया ना चा प्यान करेगा ब्योत को नहीं, ऑपरेशन करवा लेंगे। माँ हरी फिर वे बात, कदे तो चुप हो जा करो। और के माँ इसी बात क्यों क्रिया करे, इसका भी जी है, क्यों इसी बात करके इसके जी न जलाया करे? मैं ना दर्दी किसे थे, मेरा जो जी माँ होगा ना वो करूंगी, ना तो मैं तेरा दिया खाऊं और ना मैं इसका दिया खाऊं। माँ तू भी एक मिनट मापा खो दे है, थोड़ा हर जमान पर कंट्रोल रखा करे, कोई बालक थोड़ी है तू। मैं ना रखू एक तरह लागत, जो जी सा होगा ना उसा क्या जागा। माँ मैं थारी तो सुन सुके, जो हर टाइम मन ताने दिए जाओ हो, यो घर मेरा भी होगा, सारा दिन इस घर में काम का लग गिरा हूँ, कदे भी क्या चीज की डिमांड ना करूँ, ना तो डंड पैरण की, ना खान पीन की और ना कदे फालतू बोलूँ, बस अपने काम तो मतलब रखू हूँ, फिर भी ना सुहा दी मैं। माँ रोवा दी ना बेचारी, इसका के बेचारा सर, सबके में क्या भेजा सर, और फिर तो आंसू टलका गए और बेचारी बन जा सर, जिस दिन इनके घर के कुछ करके दिखा दे ना ये वापस चुप रह जाएंगी मैं। आया बहू का ही माती मधु रो ना, माँ का सब भाव तू जाने है किसा है, तो माँ की बात एक कान पे सुन लिया कर और दूसरे पे काट दिया कर। आपने ना बेरा, मेरे जी ने रोज का कड़े सो रहा है। अपनी माँ है, उसने तो कुछ कह भी ना सकती है। मधु यू आ गया नंगड़ है, नंगड़
राम राम मोसे। राम 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 राम। के लिया सही जोड़े में कोथली ले आया हूँ मोसे। कोथली? इसमें तो 4 किलो सामान भी ना आवे, इसने तो कोथली कबज है। मधु कड़े मोसे। अरे सवा के बिलात मजा आवे थी। मधु, ए मधु भाई आ गया तू? हाँ आ गया। बन ये तो ठीक से ना, पथरी का दर्द तो ना उठ रहा होगा? दर्द तो उठा है बेबे, ऑपरेशन तो ही लगड़ा गया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा है। हो गया तेरा वर्त मिला पे? क्या हुआ माँ? ये भाई है मेरा, अरमु घर आए उड़ की बेइज्जती तो ना करे, फिर कोथली लेकर आया है। कोथली से गया? यार कोथली से गए जोड़ा देखिए यो, इस तो बड़ा जोड़ा तो सिंह समान ये रखे है। दोनों बहन भाई मारी इज्जत तक ना लाग रहे हो, उजड़ की कोथली है यार। इसकी कोथली देखिए कौन जोड़ा ले गया है। और की ट्रक भर के लाओगा माँ? अपने रीति रिवाज प्यार से भगाने हो अगर कोई बंदिश थोड़ी है, घना सामान लेना है जरूरी से। माँ जो जितना लिया हो ना उसने मान सम्मान दी रख लेना चाहिए, तेरे डालनो बगाया ना करे, समझी? माँ तने गलत करे हो, नो जोड़ा नहीं फेंकना चाहिए था। मोशे इस जोड़े में तो बस गेवर था, बाकी सारा सामान तो बाहर से। मतलब है सैनी आ जा भीतर। मधु इब के तेरी वहां कोथड़ी लाया है, दुनिया में आज तक कोई किसी की नहीं लाया होगा। इतना सामान क्यों ले आओ थे जी? या मेरी माँ तो पागल है, घना खर्चा करने की कोई जरूरत ना थी। रिश्तेदार है, पूरा एक गड्डी भर का सामान ले आए हैं कोथड़े में, 51,000 का सामान ले आए हैं। भाई इतना सामान लेने की क्या जरूरत थी? मधु तेरी सासू की भी बोलती बंद करनी थी। इतना सामान लेने की क्या जरूरत थी? थम आगे थे मारे खतर वो ही बहुत था। 51,000 की कोथड़ी, मैं तो इन्हें नंगड़ समझू थी, पर इन्हें तो ये तो हंसे रच दिया। भाई इसी कोथड़ी तो सच में आज तक किसी की ना आई होगी। हाँ बेबे आज तक इसी कोथड़ी किससे की ना आई है, तेरी खुशी का तर मैं कुछ भी कर सकूं हूँ। देखिए माँ देखिए कैसी कोथड़ी। ना बेटी ईशा साल तो मैंने पहली बार देखा है, इतना सामान कोई ना लिया कोथड़ी में। मौसी 31 सूट 21,000 का घेवर, फिर नी पता सा मट्टी फल फ्रूट और सारी मिठाई ले रहे हैं। तन्ना तो कृष्ण आज हम शर्मिंदा कर दिए। इसी कोई बात ना है रिश्तेदार, मधु मारी से हमने अपने तो ही दिया है, कोई बेगानी तो ही थोड़े दिया है। इन्हें ये पैसे अपने पत्री को ऑपरेशन कराने खातर घर ला के धर रखे थे, पर जब मधु की बात सुनी तो ये बोले कड़ी सी कोथड़ी लेके जाऊंगे, किसी कदर जिंदगी में मधु ताने नहीं सुनना पड़ेंगे। यो काम इतना जरूरी ना था जितना ऑपरेशन करवाना जरूरी था किसने? ने ताई मैंने सुनी भाभी की एक गाड़ी भर का कोथड़ी आई है। हाँ बेटा सही सुनी है। तो भाभी तो छिक्का घेवर खवा देगी ना? हाँ देवर छिक्का घेवर खाइए भी और घरा भी लेकर जाइए। माँ इम तो पड़ी कितनी काल जेम ठंडे, इन ऑपरेशन वाले पीछे थे कोथड़ी पूछा दी, इम तो तेरी इज्जत का 4 चांद लागे होंगे। जो अपने त्योहार हुआ है वे पीछे और तुम अपने के ना होया करते, ये त्योहार तो इंसानियत और भाईचारा मनाने खातर होया करे, किसी का बहुत माड़ा किसी का ठाडा माँ ब्योत गल त्योहार रीति रिवाज ना मनाया करते। हाँ बेटा मेरा बहुत कुछ समझ में आ गया, मैं लालच मंदी हो रही थी, मैंने इज्जत का मोल ब्योत गल ला रखा था, मैं थारी सारे कसूरवार सू, माफ कर दो मना। कोई बात ना मौसे तू बड़ी है, जो हो गया सो हो गया। बेटा कृष्ण मैं तेरी भी कसूरवार सू, मनान दे तेरे गले ऐसा बुरा व्यवहार करा, तेरा इतना खर्चा लगवा दिया, माफ कर दी बेटा मैंने। मौसी मन्ना तेरे तक कोई शिकायत ना से, बस मेरी बहन खुश रहना चाहिए, मैं तो इस समय राजी हूँ। आज तक तेरी बहन ने कोई दुख ना होगा, मैं इसने अपनी बेटी बना के रखूंगा। हर बेटी मधु मन्ना तेरे गिले ऐसा बुरा बर्ताव कराया, तेरे दिल ने चोट पहुँचाई है,
उसकी मन माफी दे दी बेटी। माँ आपने आपकी गलती का एहसास हो गया, यह बहुत बड़ी बात है। हराम आपके हाथ तुड़वा कर जी ना। हाँ सुगर समा तेरी आंख तो खुली पर क्या नजार में खुली। भाभी ये जल्दी मुंह मीठा करवा दे, रुक ना जा रहा। माँ आप सामान खोल लो, इतना मैं चाय बना के ले आऊं। सर